नमस्कार पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के कविता को शुक्रवार के लिए तलब किया। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के कविता से पिछले साल दिसंबर में इसी मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने भी पूछताछ की थी। जानकारी के लिए बता दें, ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता आपके संचार प्रभारी विजय नायर के संपर्क में थी, जिन्होंने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के समय शराब व्यवसायियों और राजनेताओं से मुलाकात की थी। ईडी ने बताया कि विजयनगर ने साउथ ग्रुप नामक एक ग्रुप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत प्राप्त की। विजय नायर को बीते साल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने इससे पहले बीते मार्च के महीने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को भी तलब किया गया है, जो इस कथित घोटाले में नगद लेन देन करने में शामिल थे। ईडी ने इस मामले में अब तक 5 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ईडी ने पिछले साल मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। एजेंसी ने यह कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज किए गए सीबीआई मामले का संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद उसने अब तक इस मामले में लगभग 200 तलाशी अभियान भी चलाए हैं। बता दें, मामले में दिल्ली के जोरबाग स्थित शराबी वितरक इंडो स्पिरिट ग्रुप के प्रबंधक निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद बीते साल अक्टूबर में ईडी ने और पंजाब में लगभग 3 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेगा।